अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू परफ्यूम ट्रेंड्स। हम आज जो है फिर एक दो परफ्यूम कलोन के साथ आए हैं। इसमें सबसे पहले जो है बकेट रूज है 540 और दूसरा है वो सैटिन मोड। ये दोनों जो है मैसन फ्रांसिस कुर्तिजियान का परफ्यूम कलोन है, टीएमएस के भी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये उन दोनों ये दोनों जो उसके परफ्यूम कलोन्स हैं। तो आइए इसके नोट्स, खुशबू और परफॉर्मेंस के बारे में जानें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इसके नोट्स के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इसके टॉप में आपको सैफ्रॉन मिलेगा, जैस्मिन मिलेगा, और इसी तरह इसके मिडिल में आपको अंबर वुड मिलेगा, अंबर ग्रीस मिलेगा, और इसके बेस में आपको फिर रेजिन मिलेगा, सीडर वुड भी है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट खुशबू है, ऐसे आम खुशबू नहीं है, फ्रेश खुशबू नहीं है। इसकी ओपनिंग आपको एक बहुत ही मीठी सी खुशबू देगा विथ सम फ्लोरनस और सैफ्रॉन के रिचनेस के साथ। तो ओपनिंग में आपको एक रिच स्वीट खुशबू आएगी, और बेस में काफ़ी सारे वुड्स हैं, जैसे अंबर वुड है और अंबर ग्रीस है। तो इसका बेस और मिडिल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिर है और सीडर वुड है। तो ओवरऑल एक दो घंटे के बाद ये काफ़ी उडी फ्रेगरेंस में चेंज हो जाता है, लेकिन एक स्वीट सी रिच खुशबू हमेशा इसके साथ होती है। ये इसकी जो एक अलग सी एक खुशबू है, डिफरेंट है, जैसे एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस कह सकते हैं। जैसे 1 मिलियन हो गया, उसका एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस है। इसी तरह क्रीड एवेंटस है, उसका भी एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस है। या पुराने ज़माने में ब्रूट है, वन मैन शो है, ये सब एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस है, जिससे इन्होंने अपनी इस खुशबू का एक ट्रेडमार्क होता है। इसी तरह बकत रूज का भी एक ट्रेडमार्क खुशबू है, जो एक स्वीट और रिच फ्लोरल और उडी खुशबू है। बहुत अलग भी है और बहुत अच्छा, इसका जो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लाइक 8 से 10 घंटे तक इसकी लास्टिंग है। दूसरा है वो सैटिन मोड, ये भी बहुत अलग सी खुशबू है, लेकिन बहुत अच्छी प्यारी खुशबू है। इसको आपको टॉप में बल्गारियन रोज मिलेगा और टर्किश रोज मिलेगा, और मिडिल में आपको मिलेगा वेनिला और अगरवुड, और बेस में आपको मिलेगा वायलेट और बेंजोइन। तो ये भी एक डिफरेंट खुशबू है, लेकिन बहुत खूबसूरत खुशबू है। आपको एक रोज का क्रीमी, रोज के साथ एक क्रीमीनेस भी मिलेगा। ये भी एक मीठी सी खुशबू है, लेकिन जैसे इसकी मिठास ज़्यादा एयरी है, इसकी मिठास ज़्यादा क्रीमी है। तो बहुत ही क्रीमी फ्लोरल और रोज की फ्लोरलनेस के साथ तो मिठास है, बहुत अच्छी है। और इसमें भी आपको वुड्स मिलेंगे मिडिल में और बेस में, विथ सम वायलेट की एक पाउडरीनेस के साथ। तो बहुत, ये भी एक बहुत डिफरेंट सी खुशबू है, बहुत अच्छी, एक यूनिक ट्रेडमार्क खुशबू है। अपने आप में दोनों एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस है, लेकिन सबसे डिफरेंट है इसके वजह से कि हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन बहुत कॉम्प्लीमेंट गेटर है। इसको जो है जो अलग दिखना चाहता है, अलग जो है स्मेल, अपने आप को स्मेल करवाना चाहता है, वो उसको जो एक मतलब एक ट्राई जरूर करे। और ख़ास तौर पे जो है विंटर के लिए दोनों खुशबू बहुत अच्छी है, जैसे ठंडे मौसम में बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस देता है इसका, इसका परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। और इसका ये एक्चुअली देखा जाए तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 के आसपास है, लेकिन ये जो फ्रेगरेंस है काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ये आपको ऑयल फॉर्म में 10 ml 200 का आएगा, और 20 ml आपको आएगा 360 का, और आप 100 ml परफ्यूम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपको 100 ml 600 का आएगा, और 50 ml जो है आपको 350 का आएगा। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस खुशबू के बारे में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, जो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हम कुरियर सर्विस भी अवेलेबल है, तो आप जो है अपने घर बैठे इस फ्रेगरेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बहुत जल्द और कुछ चंद अच्छे फ्रेगरेंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।